हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कायाकल्प। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ लेज़र विथ स्टेप कट। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह का ये लुक आया है, तो चलिए कटिंग की ओर चलते हैं। तो ये है हमारी कस्टमर का हेयर, आप देख रहे हैं कितना पतला और कितना लंबा कितना है। तो चलिए इसे सबसे पहले रेडी करते हैं। तो इस तरह से रेडी कर लेना है, सेंटर पार्टीशन करके आगे से पीछे तक। और यहाँ देखिए मैं किस तरीके से रफली कटिंग कर रही हूँ, इस तरह से तिरछा पूरे बाल को काट लेना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब यहाँ पे सेंटर पार्टीशन से इस तरीके से डायगोनल पार्टीशन करते हुए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ थोड़ा तिरछा पार्टीशन करते हुए, और जिस तरह से मैं होल्ड कर रही हूँ इसी तरीके से आप भी होल्ड करें और कटिंग करें। सेम इसी तरीके से आपको फिर से पार्टीशन लेना है, और फर्स्ट कटिंग जो है वो आपका गाइडलाइन बन गया, और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है और पूरे हेयर में इसी तरीके का कटिंग करना है। गाइस, यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता हो, आप लोग के लिए ज़रा भी हेल्पफुल हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब सिर्फ वैसे लोगों के साथ करें जो इस तरह का वीडियो देखना चाहते हो, जो कटिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, जो ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, उन लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोग के लिए ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो गाइस, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं यहाँ कटिंग कर रही हूँ, कितना अच्छा लेयर्स भी आ रहा है। तो इसी तरीके से आप पूरे बालों में थोड़े थोड़े बालों को लेते हुए कटिंग करेंगे, और पूरे बालों में इसी तरह का डायगोनल सेक्शन होना चाहिए, तभी आपका ये लेयर्स बहुत ही अच्छे से आएगा। गाइस, आप लोग यहाँ पे देखिए मैं किस तरह से फिंगर में बालों को होल्ड कर रही हूँ और किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। बस आपको इसी तरीके से कटिंग करना है। आपको हमेशा ध्यान देना है कस्टमर किस तरह से बैठे हैं। अगर कस्टमर बार बार सर उनका टेढ़ा हो रहा है, तो आप उस पर ध्यान दें और उसे भी सही करते रहें, नहीं तो कटिंग आपका गलत हो जाएगा। आप जितनी ही अच्छे तरह से बालों को होल्ड करेंगे अपने फिंगर में, जितनी अच्छी तरह से होल्ड करेंगे, उतना ही अच्छा कटिंग होगा। आप बालों को पूरे स्ट्रेट खींचेंगे ताकि कोई भी गांठ ना रह जाए। यहाँ पे मैं जितने भी बाल ले रही हूँ, आप ध्यान देंगे कि सारे बाल ईयर के ऊपर से ही आएंगे। आप सारे बाल को ईयर के ऊपर से लेंगे तो लेयर्स बहुत ही अच्छा बनता है। और यहाँ पे मैं सारे कटिंग को सामने ही खड़े होकर कटिंग कर रही हूँ, तो आज का जो कटिंग है वो आप ये भी कह सकते हैं लेयर्स विथ फॉरवर्ड कटिंग। तो इस तरीके से सारे बाल को लेकर मैं यहाँ पर कटिंग कर चुकी हूँ। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा लेयर आया है, और आप यहाँ देखिए बाल भी बहुत ही कम कटिंग हुआ है। यहाँ पे बाल बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हुआ है और स्टेप्स बहुत ही अच्छा आया है। ये देखिए आपका वन साइड का कटिंग हो गया है और कितना अच्छा स्टेप आया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऊपर के कुछ बालों को और उसमें फिर से थोड़ा स्टेप दे रही हूँ। इससे आपको थोड़ा ज़्यादा स्टेप आ जाएगा, थोड़ा एडवांस स्टेप की जैसा थोड़ा सा आपका कटिंग हो जाएगा। गाइस, मैं यहाँ पे जो भी कटिंग बताती हूँ वह मैं थोड़ा डिफरेंट बताती हूँ, आप इस तरह का ज़रूर ट्राई करें। अगर आप ये ट्राई करेंगे तो आप फील करेंगे कि हाँ, सच में इससे अलग ही लुक आता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ऊपर के बालों में थोड़ा सा लेकर के फिर से स्टेप दी हूँ, आप भी इसी तरह से करें। अब थोड़े थोड़े बाल को छोड़ करके थोड़े और ऊपर के बालों को लेना है और उसमें फिर से स्टेप देना है। आप देख रहे हैं किस तरह का सेक्शन यहाँ पे लिया गया है, आप भी इसी तरह का सेक्शन लें और इसी तरीके से कटिंग करें।
और पहले का जो कटिंग हो जाता है वो आपका गाइडलाइन हो जाता है, और उसी गाइडलाइन के आधार पे आपको बाकी बाल को भी काटना है। अब फिर से थोड़े और बाल ऊपर से लेंगे और ऊपर की तरफ के बालों में फिर से कटिंग करेंगे। इस तरीके से होता क्या है कि जितने भी बाल हैं वो सब एक तरीके से स्टेप आ जाते हैं, कहीं आपको कोई हार्श लाइन नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा स्टेप आया है। तो ये हो गया आपका वन साइड का लुक, इस तरह का आपका कटिंग आएगा। तो आप भी इसी तरह का करें। अब सेम कटिंग आपको दूसरी तरफ भी देना है, सेम उसी तरह से थोड़े बालों को लेना है, डायगोनल सेक्शन करना है और कटिंग इस तरीके से करना है जिस तरह से मैं होल्ड कर रही हूँ, और इसी तरीके से सारे बाल को कर लेना है। मैं यहाँ बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में रखी हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। गाइस आप लोग मेरे और भी कटिंग को चेक कर सकते हैं, अगर आपको ये कटिंग पसंद आ रहा हो तो मेरे और भी कटिंग को चेक कीजिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और रील्स को एंजॉय करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। गाइस आप लोग देखिएगा ध्यान से कि मैं जितने भी बालों को ले रही हूँ सब आप ईयर के ऊपर से ही ले रही हूँ। आप भी इसी तरीके से ईयर के ऊपर से ही लेंगे। इस तरीके से करने से लेयर्स बहुत ही अच्छा आता है, और गाइडलाइन के को देखते हुए सारे बाल को, एक्स्ट्रा बाल को आप कट करते जाएंगे। यहाँ पे मैं बालों को थोड़े से ऊपर भी खींच रही हूँ, ऊपर से ले करके कटिंग कर रही हूँ, तो आप भी ऊपर से लेकर के ही कटिंग करेंगे। इस तरीके से आपका कटिंग बहुत ही अच्छा आता है। आप देख रहे हैं कि कटिंग किस तरह का आ रहा है, कितना खूबसूरत लेयर्स स्टेप दोनों ही आ रहा है। तो आप इसी तरीके से यहाँ पे कटिंग करेंगे।
देखिए गाइस यहाँ पे कितना अच्छा स्टेप आया है। फिर से उसी तरह से अब यहाँ पे हेयर भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी कम कटा है, लेंथ ज़्यादा छोटा नहीं हुआ है और कटिंग अच्छा आया है। फिर उसी तरीके से आप यहाँ पे ऊपर बालों को करते हुए कुछ कुछ सेक्शन ऊपर की तरफ हम लोग को बढ़ते जाना है और कुछ कुछ सेक्शन निकालते जाना है और उसमें फिर से कटिंग देना है ताकि स्टेप और भी अच्छी तरीके से आ जाए। ये हो गया दूसरी तरफ का भी हेयर कटिंग और आप देख रहे हैं कि क्या कटिंग का लुक आया है और हेयर कितना कम कटा है। तो इस तरीके से आप कर लेने के बाद आप रीचेकिंग करेंगे और यहाँ पे मैं रीचेकिंग कर रही हूँ फ्रंट से। फ्रंट से दोनों साइड से जिस तरीके से कटिंग हुआ है उसी तरीके से डायगोनल सेक्शन करते हुए दोनों साइड से थोड़े थोड़े बाल को लेना है और चेक करना है कि किसी साइड कुछ लंबा या छोटा तो नहीं रह गया है। इस तरह से हम लोग को यहाँ पे चेक करना है और चेक करने के बाद ही आपका ये हेयर कटिंग फाइनल लुक देगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं मैं कैसे पूरे बाल को थोड़े थोड़े दोनों तरफ से एक ही तरह से पार्टीशन करना है और बाल को लेकर के यहाँ पे रीचेक कर लेना है। तो ये रीचेक भी मैं कर ली हूँ। मेरे कस्टमर को यहाँ साइड पार्टीशन चाहिए था तो मैं यहाँ पे साइड पार्टीशन कर दी हूँ और साइड पार्टीशन में ये लुक और भी प्यारा नज़र आ रहा है। यहाँ पे इन्हें साइड के लुक में फ्लिप चाहिए था थोड़ा, तो मैं उसे फिर से दे रही हूँ, उसे अलग से लेके मैं कट कर दे रही हूँ। तो ये आप भी देखिए इस तरह से पार्टीशन करके और आपको ये थोड़ा सा कटिंग कर देना है जो थोड़ा सा छोटा होगा तो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं इसे कट कर रही हूँ इस तरीके से। और देखिए ये है फ्लिप का लुक। यहाँ पे मेरे कस्टमर को कोई सेटिंग नहीं चाहिए था तो आज मैं विदाउट सेटिंग ही हेयर्स आप लोग को दिखा रही हूँ, ओनली कटिंग। और कटिंग आप देख रहे हैं कि कितने ऊपर तक आया है। तो ये है लेज़र विथ स्टेप हेयर कट जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आप भी इस तरह का कटिंग करें और आप लोग के लिए ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल हो गाइस तो आप लोग लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।